नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का यह वीडियो मत्स्य यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो पीजी के एग्ज़ाम है MA MSc MCOM के MCA के वो कब तक स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो UG के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट भी हो चुके हैं लेकिन जो PG के एग्ज़ाम है उनकी अपडेट कुछ भी हमें नहीं मिली है। तो देखो, जो लास्ट वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर किया था कि जो लास्ट ई पेपर आया था आप सभी छात्रों के लिए उसी पेपर में बोला जा रहा था कि जो मई का आपका मई का जो वीक चलेगा, यानी कि सेकंड वीक के लगभग आपके, यानी कि 9 या 10 मई के लगभग आपके एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब देखो, सूत्रों से ये पता लग रहा है कि जो आपके एग्जाम है वो 15 मई तक हो सकते हैं। अब छात्र यहां पर कमेंट करेंगे कि सर जो अगर 15 मई से अगर हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे, जैसे यहां पर बात कर रहा हूं मैं MA के स्टूडेंट हो गए, MSc के स्टूडेंट हो गए, साथ में MCOM के स्टूडेंट हो गए और उसी के साथ में जो MCA के स्टूडेंट हो गए, देखो उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको बैक ईयर के पेपर चाहिए या आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब देखो, यहां पर मैं आपको गुमराह किसी भी तरीके से नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको कोई एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं। आपको पता है कि मैं कौन होता हूं जो आपको एग्जैक्ट डेट बता दूं, जो खुद परीक्षा नियंत्रक रहता है या कुलपति रहता है उनको भी एग्जैक्ट डेट का उनको नहीं पता होता है, वो ओनली संभावित डेट ही बता सकते हैं। और जो ये संभावित डेट बताई है ना, वो भी कुलपति ने ही बताई है, ठीक है, वो भी कुलपति ने ही बताई है, क्योंकि जो न्यूज रिपोर्टर वाले रहते हैं, न्यूज वाले रहते हैं, जैसे दैनिक भास्कर वाले रहते हैं, वो जाकर पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटी में कि सर जो पीजी के एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, और साथ में कुछ जो ऐसे टीचर भी रहते हैं या कुलपति भी रहता है कि छात्रों को पता लग जाए कि उनके एग्जाम कब से होने वाले हैं, वो बार बार कॉल ना करें या बार बार शिकायत ना करें कि एग्जाम लेट हो रहे हैं, इस वजह से भी वो जल्द ही न्यूज वालों को ये अपडेट दे देते हैं और न्यूज वाले ये कटिंग है वो ई पेपर में छाप देते हैं, जिससे कि सभी छात्रों को पता लग जाता है कि जो हमारे एग्जाम है वो सेकंड वीक में, यानी मई के सेकंड वीक में स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये एक तरीके से सांत्वना दी जाती है, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बताई जाती है। आपको भी ये चीज़ पता है और मुझे भी ये चीज़ भलीभांति से पता है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसी के बाद में आप सभी छात्रों को मैंने बता दिया कि बैक ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, आप जितने भी बैक ईयर के पेपर पढ़ सकते हो वो पेपर आप पढ़ना, वो सभी पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम का मैंने एक तरीके से ग्रुप भी बना रखा है, साथ में एक चैट बॉक्स भी बना रखा है, उस चैट बॉक्स में आकर जो भी पेपर आपको चाहिए वो मुझे कमेंट कर देना, वो या तो चैट कर देना या आप यूट्यूब पर जाकर कमेंट कर देना, वो पेपर मैं आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। अब देखो, मेरी नज़र में तो जैसे मैंने 15 तारीख बोला है तो आपके एग्जाम 20 मई तक भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो कम से कम आपको 10 से 15 दिन पहले आपका एग्जाम टाइम टेबल जारी होता है, तो उस हिसाब से आज आपकी 3 मई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम का अता पता नहीं है, उस हिसाब से आपके 15 या 20 मई के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और लगभग 1 या 2 दिन में आपको यह भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपके एग्जाम मई में होंगे या मई से बढ़कर जून में भी जाकर हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके UG के एग्जाम है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुए हैं। उसका कारण ये है कि जो आपके और अदर यूनिवर्सिटी के जो UG के एग्जाम है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जो मत्स्य यूनिवर्सिटी से जो UG के एग्जाम है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुए हैं, उसी हिसाब से आपके PG के एग्जाम भी लेट हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 15 से 20 मई बोला है। बाकी देखते हैं, कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा। आपको यहाँ पर कोई नेगेटिव कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी के कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ बताना जरूर समझा कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और बैक ईयर के पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, जो भी ईयर का पेपर चाहिए आप मुझे बता देना, वो भी पेपर आपके लिए अवेलेबल टेलीग्राम पर करवा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।